सो एवरीवन, क्या आप लोग भी किसी को ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हो पर आप लोगों के पास गूगल पे का अकाउंट नहीं है और आप लोग सीखना चाहते हो यार कि हाउ टू मेक गूगल पे अकाउंट, या फिर आप लोगों की क्वेरी है कि भाई अभी गूगल पे में कितना रेफर इनॉन का चला है, तो भाई इन दोनों ही क्वेरीज का इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल में आंसर करने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि भाई अगर आप लोग ना गूगल पे का अकाउंट किसी को रेफर करते हो और यार आपने जिसको रेफर किया है वो यहाँ पर साइन अप कर लेता है तो भाई उसे 2100 रुपए मिलते हैं और जिसने रेफर किया उसको 201 रुपए इस टाइम पे मिल रहा है। तो मतलब यार आप लोग अपना गूगल पे का अकाउंट अभी बनाते हो तो आप लोगों को 2100 रुपए आपने जो बैंक लिंक किया रहेगा उसमें मिल जाएगा। इसी के साथ साथ पर रेफर पे आप लोगों को 201 रुपए मिलेगा। तो भाई दोनों ही चीज सिखाने वाला हूँ आपको इस वीडियो में, एंड आप लोगों को ये भी सिखाऊंगा कि आप लोग को किसी को पेमेंट करना है तो आप लोग कैसे कर सकते हो, अगर किसी को बैंक में पैसे ट्रांसफर करने हैं वो कैसे करना है, अपना जो है ट्रांजेक्शन का हिस्ट्री कैसे चेक करना है, आपको अपना यूपीआई आईडी किसी को भेजना है या फिर अपना QR भेजना है तो वो आप कैसे कर सकते हो। तो यार इन फ्यूचर आप लोगों को अगर और भी इसी से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहिए तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अगर वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो आप लोग लाइक का बटन दबा सकते हो। चलिए गाइस बिना टाइम को वेस्ट वीडियो को शुरू करते हैं। सो भाई देखो, सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास गूगल पे का अकाउंट है तो आप लोग यहाँ पे किसी को भी स्कैन करके पे कर सकते हो। इसी के साथ साथ आपके कॉन्टेक्ट में जितने लोग हैं आप लोग उनको तो पे कर सकते हो। अगर कोई नॉर्मल पर्सन है और उसने आपको अपना फोन नंबर भेजा है तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, बैंक ट्रांसफर का ऑप्शन मिल जाता है, UPI ट्रांसफर कर सकते हो और अगर आपको अपने किसी और बैंक में पैसे लेने तो वो यहाँ पे अवेलेबल है। आप लोग अपने फोन्स के रिचार्ज और बिल पेमेंट भी कर सकते हो। इसी के साथ साथ आपको ऊपर की तरफ अपना प्रोफाइल मिलेगा जिसमें आपको अपनी UPI ID मिल जाएगी और अपना फोन नंबर यहाँ पर जो लिंक रहेगा वो देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखोगे भाई तो मेरे पास 481 रुपए अभी हैं जो कि मुझे रिवॉर्ड मिला है और अगर आप लोग अपने प्रोफाइल पे जाते हो तो वहां पर आपको अपना QR भी शो होगा जिससे आप लोग कहीं पर भी शेयर कर सकते हो। तो ये दोनों ऑप्शन आप लोगों को यहाँ मिल जाता है। इसी के साथ साथ थोड़ा सा स्लाइड करोगे तो भाई इनवाइट इन ऑन का ऑप्शन आएगा आप लोगों को, मतलब आप अपने फ्रेंड्स को यहाँ पर रेफर करके अर्निंग कर सकते हो। और भाई 201 रुपए, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि 201 रुपए एवरी रेफरल पे आप लोगों को मिल रहा है, तो यहाँ पर आप लोग इसका प्रूफ भी देख सकते हो। भाई मैंने अपने एक फ्रेंड को रेफर किया था जिसपे मुझे 201 रुपए यहाँ पर मिले और उसे भी 2100 रुपए मिले हैं। तो ये आप लोगों को करना कैसे, अब चलिए आप लोगों को बताता हूँ कि भाई यहाँ पर आप लोगों को अपना अकाउंट ओपन कैसे करना है। तो यार देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा गूगल पे का, आप लोगों को लिंक पे क्लिक करना है, प्ले स्टोर पे रिडायरेक्ट करेगा। आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले तो एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना। अब इंस्टॉल होने के बाद दोस्तों आप लोगों को इसे करना है ओपन। यहां पे आप लोगों का फोन नंबर मांगेगा तो आप लोग जो भी फोन नंबर से यहाँ पर साइन अप करना चाहते हो ना वो फोन नंबर डालना है, कंटिन्यू करना है। यहाँ पे एक ईमेल आईडी आप लोगों को चाहिए होगी तो ईमेल आईडी आप लोगों को यहाँ पर डाल देना है, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू कर देना है। अभी नेक्स्ट आप लोगों का प्रोसेस चला जाएगा, फोन नंबर वेरीफाई होगा। तो ये बात ध्यान देना कि भाई आपके फोन में रिचार्ज जरूर से होना चाहिए, अगर रिचार्ज नहीं होगा तो यहाँ वेरीफाई नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पर देखो OTP आ चुका है, OTP फिल हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट इंटरफेस आप लोगों के सामने आएगा तो उसमें आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोग बैंक कार्ड अपना ऐड करना होगा। तो ऊपर ही की तरफ देखो ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पर भाई जैसे ही आप लोग अपना बैंक कार्ड ऐड कर देते हो आप लोग यहाँ से पेमेंट कर सकते हो, मतलब किसी को भी पे करना होगा आप लोग आराम से कर सकते हो। तो देखो ऐड बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक करना है। अब भाई जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है आप लोगों को ऊपर सर्च कर लेना है, जैसे देखो मेरा कोटक महिंद्रा बैंक में है तो भाई मैं कोटक पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपको अलाउ करना है, आप लोगों का अकाउंट नंबर भी खुद से फाइंड कर लेगा, आप लोगों को वो भी करने की जरूरत नहीं है, पर जिस फोन नंबर से आपने साइन अप किया है आपके बैंक में भी वही लिंक होना चाहिए। तो ये बात का भाई बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, और पहले आप लोगों को मैंने बताया आपके फ़ोन पे रिचार्ज ज़रूर से होना चाहिए, तो नहीं है तो SMS आने के लिए जो 99 वाला होता है वो आप कर सकते हो नॉर्मली और कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर देखो भाई बैंक कार्ड एडेड सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पर आप लोगों को सेट करना है अपना UPI पेमेंट के लिए, मतलब UPI पे करने के लिए आप लोगों को अपना पासवर्ड सेट करना है। तो भाई गॉट इट पे क्लिक करो और यहाँ पर अपना पासवर्ड और अपना जो भी आप नाम चाहते हो अपने UPI को पे करने पे जो नाम आपको शो हो वो नाम यहाँ पे आपको डाल देना है। अब भाई जैसे ही अकाउंट आपका एक्टिवेट हो जाता है आप लोगों को सबसे पहले एक पेमेंट करना है, अपने घर में किसी को कर सकते हो या फिर यार मुझे भी कर सकते हो, मेरा यहाँ पर आपको ID शो हो रहा होगा। तो यहाँ पर आप करना, जितना भी पेमेंट करोगे आपको तुरंत के तुरंत रिटर्न कर दिया जाएगा, इससे आपका क्या होगा बैंक अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। तो ठीक है, आप लोग अगर कोई घर में किसी के पास भी ना ID हो तो आप लोग इस पे करना है, उसको वापस कर दिया जाएगा। तो 1 रुपए से ही आप लोग पे कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आप लोग पेमेंट कर दोगे आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी और आपको 21 रुपीज मिलेंगे। जैसे देखो यहाँ पे मैंने पेमेंट किया 10 रुपीज का और भाई यहाँ से मैंने वहां से मतलब दोनों साइड से यार पेमेंट आने चाहिए। तो यहाँ पर देखो भाई मैं अपनी आईडी में दिखा रहा हूँ, मुझे 201 रुपए का रिवॉर्ड यहाँ पर मिल गया। जैसे ही मैंने यहाँ पर फर्स्ट पेमेंट किया 201 रुपए आपको रिवॉर्ड मिल जाता है। अब जिसने भी भाई यहाँ पे अकाउंट बनाया है उसकी आईडी में ले चलता हूँ। तो यहाँ पर देखो भाई एक पेमेंट मैंने किया और एक पेमेंट
वहां से आया, 2100 रुपए का हमें यहाँ से भी फ्री फोकट का रिवॉर्ड मिल चुका है। आप लोग सारा कुछ प्रूफ देख सकते हो। तो भाई कुछ इस तरीके से आप लोग गूगल पे के अंदर अपना अकाउंट बना सकते हो और किसी को भी पेमेंट कर सकते हो। सो एवरीवन, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, मैंने आप लोगों को सारी चीजें एकदम स्टेप बाय स्टेप समझा दी हैं। पर अगर आप लोगों का कहीं पर भी कोई भी डाउट रहता है तो आप लोगों को हमें कमेंट करना है या फिर आप लोग हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसे सॉल्व किया जाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलता हूँ आप लोगों से हमारे चैनल की किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।